नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि नहीं भूले होंगे आप ये वीडियो, और आपको बहुत याद आई होगी इन दोनों वीडियोस की। जिस वक्त आप मार्केट के अंदर के उतार चढ़ाव को देख रहे थे और आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि निफ्टी और कितना नीचे तक जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में निफ्टी का 19225 का लेवल जरूर घूम रहा होगा। और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों ने इसका कोई वाइज उपयोग जरूर किया होगा। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए हमारा व्यू बुलिश था और बैंक निफ्टी ने निचले लेवल से हमारे को रिवर्सल दिखाया। हालांकि मेरा बैंक निफ्टी के लिए जो एंट्री का लेवल बाय साइड के लिए बनता था, मतलब लॉन्ग साइड के लिए बनता था, वो 44,500 के ऊपर बनता था, मतलब 44,500 के नीचे। जब तक बैंक निफ्टी है नीचे धीरे धीरे कर कर अभी एक्यूमुलेशन चल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को लेकर मेरा व्यू बुलिश था, तो मार्केट के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अभी हमारे को वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक कि कोई बड़े इन्वेस्टर मार्केट के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे देते। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे काफी दूर से जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो कैसे कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कब जाकर वो आपके पास में अपनी पोजीशंस को एवरेज करके चलते हैं, ये मैं आपको सब समझा कर चलता हूँ। मतलब, और आप लोग ये बात पक्का मानते होंगे कि इस चैनल पर आने के बाद आपको जो कुछ सीखने को मिलता है ये एग्जैक्टली आपकी सोच के साथ मैच करता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको एग्जैक्ट वो ही चीज समझा रहा हूँ जो मार्केट देखते समय आप कहीं ना कहीं सोच रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे को एक रेवर्बरेशन क्रिएट करना होता है हमारे ऑडियंस के साथ में, मतलब उनके दिमाग के साथ में। तो यही वजह होती है कि इस वीडियो के अंदर आने वाले व्यूज केवल उन्हीं लोगों के होते हैं जो लोग मार्केट के अंदर सोचना पसंद करते हैं। तो देखो दोस्तों, मार्केट इस वक्त 19,265 पर है। यही अगर हम लोग डाउ जोन्स को देखकर चलेंगे तो डाउ जोन्स हमें इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, मतलब मंडे के अंदर, हो सकता है हमारा मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखाए, मतलब बुलिश एंट्री दिखाए, क्योंकि डाउ जोन्स ने एक बहुत अच्छी रिकवरी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में निकाली है। देखिए, डाउ जोन्स की एक खासियत है, मतलब ये 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास निकाली है। डाउ जोन्स की एक खासियत है कि 100 डेज के मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास पहले भी इसके अंदर से एक बाउंस बैक आया था और इस जगह से हम लोगों ने डाउ जोन्स को वापस 36,600 के हाई लेवल की तरफ पहुंचते हुए देखा था। मतलब निचले लेवल पर जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो गिरते समय 100 डेज के मूविंग एवरेज पर इसने कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एवरेज पोजीशंस जो क्रिएट हुई होंगी लॉन्ग की बड़े वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, और यहाँ मार्केट में इस जगह पर जाकर उन्होंने स्विंग हाई पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया होगा। अब इस समय पर अगर डाउ जोन्स को देखा जाए तो डाउ जोन्स इस वक्त 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास है, बट मेरा ये मानना है जब तक 33,970 कायम है डाउ जोन्स बुलिश रह सकता है, लेकिन 33,970 के नीचे निकलते ही डाउ जोन्स के अंदर एक तगड़ी और तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 100 डेज का मूविंग एवरेज भी टूट जाएगा और 33,970 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है जिसे क्रॉस करके शॉर्ट कवरिंग की रैली को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, ये एग्जैक्टली अभी इस समय पर एक सपोर्ट का काम कर कर चल रहा है, और ऐसा हमारा आप जानते भी हैं। हाँ, क्योंकि इसके अंदर बड़े वॉल्यूम से मर्ज होकर नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं थोड़ा सा इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउटफुल हूं, क्योंकि यार इसके अंदर बाइंग तो आई है पर तेजी या मोमेंटम आएगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। मैं अगर डाउ जोन्स को समझ के चलता हूं तो अब मैं आपसे हमेशा देखिए वो बातें बता के चलता हूं कि सावन का अंधा को हर जगह हरा हरा दिखाई देता है, तो हमारे को ना ये सावन का अंधा नहीं बनना। हमें हर जगह ऐसी है नहीं कि कुछ भी हरी कैंडल दिखाई दी तो हर जगह हरा हरा है, हमारे को लॉजिकली समझ के चलना है। अब अगर आप निफ्टी को देख कर चलोगे तो निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है? बैंक निफ्टी का। आप देख भी रहे हो इस चीज को कि बैंक निफ्टी ने मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश की, वरना 19,225 का जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा टारगेट था, वो 19,225 से 19,229 तक का टारगेट तो हमारे को अचीव हो चुका है। मतलब हम निफ्टी के लिए जो 19,225 का टारगेट लेकर चल रहे थे 19,229 हमारे को रिसीव हो चुका है। अब 19,225 क्या था? तो 19,225 ये वो जगह थी जहां पर हम लोगों ने मार्केट को वापस से उड़ते हुए देखा था, याद है आप लोगों को। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाना चाहिए था, और मार्केट के अंदर ये एक शॉर्ट कवरिंग के रैली के बाद अब जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मतलब 19,225 के पास मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजिशन को एवरेज करते थे और फिर उसके बाद ऊपर जाकर अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया करते थे, और फिर 19,225 के पास जाने पर मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजिशन को एवरेज कर दिया करते थे और उस जगह पर जाकर फिर स्क्वायर ऑफ कर दिया करते थे। और हर बार एक बात समझने वाली है, वो ये कि हमारे जो हायर हाइज हैं वो हायर हाइज कम होते चले जा रहे हैं,
और हायर हाइज हमारे कम होते चले जा रहे हैं, और हमारे पास में जो लोअर मोस्ट लेवल है उसके नीचे मार्केट अभी निकल चुका है। तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करोगे तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ ही करता हूँ। ये देखिएगा, अगर आप इसको देख के चलते हो ये, तो हम लोग इस समय पर बिल्कुल ठीक है। और एक ऐसी है बात, देखिए ये हमने इसके टॉप्स को मिलाकर एक बना ली। तो अगर आप इसको देख के चलोगे तो निफ्टी ने जैसे ही इस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश की, एक बड़ा प्राइस रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद हम लोग लोअर मोस्ट लेवल के पास में पहुंच चुके हैं। इस लेवल को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है, 19225 के पास का लेवल निकल कर आता है, और 19225 के पास से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो इस चैनल के अंदर ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। लेकिन 19225 के नीचे टूटने पर हमारा जो निफ्टी के अगले टारगेट्स निकल कर आते हैं, देखिए टारगेट्स लंबे होते हैं और हमारे को ना लॉन्ग रन में सोचना चाहिए। अगर हमारा व्यू बेयरिश है तो हमें देखना चाहिए कि उसका टारगेट क्या है, और अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हमें देखना चाहिए हमारा उसका टारगेट क्या है। तो देखिए मेरा व्यू अगर 19225 टूटता है तो नीचे मार्केट का एक लॉन्ग टर्म का व्यू जो बनता है 18,863 ये 18,600 निकल कर आता है। तो 18,863 या 18,600 जब आपके पास आएगा तो आप इसे देख लेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, लॉजिक को ध्यान से समझ के चलिएगा। मैं सब कुछ ऐसी चीजों के साथ में हमेशा कनेक्ट करके चलता हूँ, FIs और DIs के डेटा को। यार देखो अगर FIs को मार्केट के अंदर ये एक फेयर वैल्यू लगती थी, एक फेयर प्राइस लगता था स्टॉक को एवरेज करने का, स्टॉक को लॉन्ग करने का, तो उन्होंने 4,638 करोड़ की नेट सेलिंग जो मार्केट के अंदर की है, यार एक बहुत बड़ी सेलिंग है। अब इसके अंदर हम लोग ये देख के चलते हैं कि यार 10,929 करोड़ की परचेज भी करी है, 15,567 करोड़ की सेलिंग भी करी है, तो नेट सेलिंग 4,638 करोड़ निकल कर आती है। अगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो FIs हैं पूरा महीना नेट सेलर्स रहे, मतलब ये कि अब वो इस समय पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। इस समय पर अगर आप DIs की बाइंग को देखकर चलेंगे तो DIs की बाइंग FIs की बाइंग से ज्यादा है, FIs की सेलिंग से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट को कहने के DIs सपोर्ट करके चल रहे हैं, मार्केट को DIs सपोर्ट करके चलते हैं, मार्केट को DIs के मार्कअप करके नहीं चलते। मतलब कहने का ये कि आज अगर DIs परचेज करके चल रहे हैं तो उनका व्यू आने वाले समय के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज मार्केट को लेकर बुलिश है, कि वो आज खरीद रहे हैं उनके दिमाग में हो कि कल मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चले जाएगा और वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो DIs कहना कि नीचे की जगह पर मार्केट के अंदर जो बाइंग करके चल रहे हैं, लो लेवल पर जो परचेज करके चल रहे हैं, वो उनकी एक रूटीन बाइंग है और वो एक एवरेज करने वाली बाइंग है जिसमें अपने प्राइस को एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। FIs इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग की जोन में है और अपने मैंडेट के थ्रू वो मार्केट में जो उनके प्लान्स होंगे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बुक करके चल रहे हैं। और वो कब तक प्रॉफिट बुक करके चलेंगे, जब तक मार्केट के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस नहीं आ जाते जहां पर उनको लगता हो कि मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजिशन क्रिएट होती है। किस जगह पर लॉन्ग की पोजिशन क्रिएट हो सकती है, देखो यार 19225 के पास से एवरेज करने के बाद में मार्केट पार्टिसिपेंट अगर 19650 के पास जाकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो जब तक मार्केट 19225 से लेकर 19650 के बीच में, तो हम ये मान के चलेंगे कि 19225 पर आपके पास में कहीं पर डिमांड है और 19650 के पास में कहीं तगड़ी बड़ी सेलिंग है। हाँ 19650 के टूटने के बाद मार्केट के अंदर एक तेजी की संभावना बनती है, तब जब मार्केट 19650 को तोड़ेगा और उस समय के हमारे जो टारगेट्स हैं 19800 निकल कर आते हैं। अभी इस समय पर हमारे को मुझे लगता है 18,863 का टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ आपके पास में 19225 के टूटने के बाद, अभी कब तक अचीव होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 19225 के नीचे हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश नहीं रहेगा। उस जगह पर हमारा व्यू बुलिश की जगह बेरिश बन जाएगा और हमारी जो पोजिशन है मार्केट के अंदर हेज है, मतलब हमारी जो पोजिशन होती है जो हमने रिकमेंडेशन दी होती है क्लाइंट्स को वो हेज दी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताकर चल रहा हूँ एग्जैक्टली मैं मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ। हाँ एक बात इसमें पक्की है कि मैं आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा, इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करना चाहिए। अब देखिए अगर आप बैंक निफ्टी को देखकर चलेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो बैंकिंग स्टॉक्स में निचले लेवल पे जो बाइंग चल रही है,
तो निचले लेवल की बाइंग ये कहीं ना कहीं उसके एनालिसिस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है कि मार्केट के अंदर इस तेजी के अंदर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट ने जो आपके पास में यहाँ से इसे एग्जैक्टली ऐसे ही मान सकते हैं कि मार्केट जब कभी ट्रेंड करने वाला होता है या ट्रेंड कर रहा होता है तो वो हमेशा वीक प्लेस को आउट करता है। तो मार्केट ट्रेंड कर रहा था, वीक प्लेस को उसने आउट किया और निचले लेवल पर वापस से बाइंग आती है। तो 44,120 एक इंटैक्ट सपोर्ट का लेवल है, लेकिन हम लोग 44,500 के नीचे बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी को लेकर। हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि इस जगह पर अभी एवरेजिंग चल रही है, इसी जोन के अंदर निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट करना चाहिए, या बैंक निफ्टी 43,770 के लेवल को भी तोड़ सकता है कि बैंक निफ्टी और ज्यादा नीचे आ सकता है। तो देखो यार, ये जब ये लेवल्स को मैं मार्क करता हूँ, ये लेवल्स मैंने तब मार्क करे होते हैं जब मार्केट के अंदर मुझे सच में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज मार्केट के अंदर हुई है जिससे मार्केट के फंडामेंटल में बदलाव आया है या मार्केट के ट्रेंड में कोई चेंज आया है। तो मैं इन लाइंस को मार्क करता हूँ और ये लाइंस मैंने बहुत गाइड मेरे को करके चलती हैं। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मार्केट को भी इसके रेंज के अंदर अगर एक बेरिश जोन बनती है तो बैंक निफ्टी को भी इस रेट के रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहिए, मतलब कंसोलिडेट करना चाहिए। उसी के बाद हमारे को कोई मूव क्लियर हो पाएगा कि यार अगस्त के बाद सितंबर के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशन को किस तरीके से ओपन किया है। और निफ्टी का चैनल तो मैं आपको यहाँ पर दिखाकर समझा चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें आपके अगर किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं तो आप हमेशा मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, और मैं आपके डाउट्स को लेने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोग अगर चाहते हो तो मतलब मेरी स्मॉल केस पर, मेरे स्मॉल केसेज हैं gaurav.smallcase.com, आप यहाँ जाकर मेरे स्मॉल केसेस को देख सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि इस वक्त पर मार्केट में कौन से ऐसे वीकली सिप आइडियाज हैं जिनके अंदर अगर आप चाहो तो अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे कर लॉन्ग की क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप एक अपनी स्टॉक्स के गुल्लक बनाने के लिए इन स्टॉक्स का चयन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जाने से पहले आप मेरा डिस्क्लेमर जरूर देखे जाइएगा। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASF in case of investment advisors, and certification from NISMA in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gaurav.in. आप सभी disclaimers को gaurav.in website पर read कर सकते हैं। Thank you so much. आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।